ऐसा शेर है जिसमें कई लोगों की नजर है। क्यों? ऑब्वियस है भाई, सस्ता है। सस्ता है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि खरीद के रख ले, बढ़ने के चांसेस हैं कि नहीं। देखो, इस पैटर्न को बोलते हैं अप थ्रस्ट या थ्रस्ट, थ्रस्टिंग पैटर्न। थ्रस्टिंग पैटर्न एक सपोर्ट का काम कर सकता है। हुआ क्या था, वही हमारी पुरानी कहानी, ए पर जिन्होंने सेल किया और बी पर जब गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, तो वो एक थॉट में थे कि मार्केट उनका जो प्राइस है वो सही है, और जितने भी सेलर्स थे वो खुश थे कि प्राइस नीचे चल रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक अपथ्रस्ट आया और अपथ्रस्ट मार्केट को ये बता दिया कि मैं 20 रुपये से नीचे नहीं जाऊंगा। मतलब देखा जाए तो यस बैंक की जो प्राइस है वो 20 रुपये से कम नहीं जानी है, ये इस अपथ्रस्ट ने बताया सेलर्स को, ठीक है, कि मेरा 20 रुपये से प्राइस नीचे नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक स्टेटमेंट हमेशा बोलता हूँ, देयर शुड ऑलवेज बी अ प्राइस दैट सेज वी आर रॉन्ग। तो यहाँ पे जो 20 रुपये का प्राइस है वो कह रहा है कि 20 रुपये से कम नहीं होना चाहिए भैया मेरा प्राइस। तो 20 रुपये के ऊपर एक ये अपथ्रस्ट मार्केट को लेके गया और इसने एक नया हाई बनाया लगभग 33 का। बहुत अच्छी रैली हुई, 13 रुपए की रैली, लगभग मोर देन 60% 20 रुपए से, ठीक है ना। अब ये वापस से गिरने के फेज में आया है, तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कल का जो इसका लो था वो लगभग प्रीवियस क्लोज 21 रुपीज के आसपास हुआ था, और आज इसकी ओपनिंग भी लगभग वहीं पे हुई है। तो देखा जाए टेक्निकली अगर हम इस ग्राफ की, इस शेयर की बात करें, तो भाई आज का जो वॉल्यूम है वो कल के सेलिंग वॉल्यूम से कम है अभी तक। हालांकि अभी बहुत बड़ा सेशन बाकी है, लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे का, लेकिन फिर भी आज का वॉल्यूम थोड़ा सा कम है और प्राइस काफ़ी अच्छा है। मतलब जो बेयर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा निकल चुके हैं और आज सिर्फ सिर्फ बुल मार्केट दिखाई दी है, और ये बुल मार्केट प्राइस को बहुत तेजी से ऊपर ले गई है। इस पैटर्न को बोलते हैं, ये जो पैटर्न बन रहा है, परसिंग पैटर्न, और ये एक सपोर्ट जोन के आसपास बन रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से वापस से मार्केट बुलिश हो सकता है, और अब यस बैंक में हमें फिर से 20 से 30 रुपीज़ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मतलब जब इसका अपमूव की बात की जाए तो वो लगभग 30 रुपीज़ तक जाएगा, ये इसका टेक्निकल्स कह रहा है। ओवरऑल देखें तो यस बैंक एक अच्छा शेयर हो सकता है आने वाले समय में। देखते हैं कि आज इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है, फिर हमें ज़्यादा अच्छा क्लू मिलेगा कि इसका प्राइस, सही प्राइस क्या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट शेयर को देखते हैं।